ईद को लेकर पीस मीटिंग में शिवो के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर बलिया जनपद से। उभाव थाना के सीआर पुलिस चौकी में पीस कमेटी की बैठक रविवार को बुलाई गई, जिसमें इलाके के सम्राट लोग शामिल हुए। बैठक में आने वाले त्योहारों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम राजेश गुप्ता व शिवो शिव नारायण वैश्य ने की। रसरा शिवो में भारत मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी 3 तारीख को ईद को देखते हुए यह पीस मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही परशुराम जयंती अक्षय तृतीया को नजर दोनों समुदाय को बुलाया गया। शिवो ने कहा कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, अफवाहों पर ध्यान न दें, जिन पर परमिशन है वही लाउडस्पीकर का उपयोग करें, उसकी ध्वनि जो निर्धारित हो उसके अनुरूप हो, रोड पर या सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। उभाव निरीक्षक अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि थाना क्षेत्र के किसी गाँव में कोई समस्या हो तो उन्हें बता दें, समय रहते उसे दूर कर लिया जाएगा। लोगों से त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। बैठक में सीआर चौकी प्रभारी मदन लाल सहित चौकी का स्टाफ और कस्बा निवासी प्रशांत जायसवाल मंटू, सुनील जायसवाल टिंकू, धर्मेंद्र सोनी, खालिद जहीर, आलोक गुप्ता, विनय प्रकाश, डेविड मुख्तार भाई, तौहीद अहमद लारी, रमाशंकर यादव उर्फ बाउल, राम मनोहर गांधी, मिथिलेश कुमार ग्राम प्रधानों में जफरुल हक पप्पू, रामाधार राजभर, प्रभा शंकर राजभर आदि मौजूद रहे। सीआर पुलिस चौकी में आज किस तरह की मीटिंग रखी गई थी आपके द्वारा? आगामी 3 तारीख को ईद की नमाज होने वाली है, उसी को दृष्टिगत सभी धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। इसके साथ ही साथ 3 तारीख को परशुराम जयंती भी है, अक्षय तृतीया है, दोनों संप्रदाय के लोगों को बुलाया गया था और कुछ संप्रांत व्यक्ति भी आए हुए थे। जो भी शासन के दिशा निर्देश है उसके बारे में बताया गया है और लाउड स्पीकर के बारे में बताया गया है कि जिनके अनुमति नहीं है वो लोग हटा लेंगे, मैक्सिमम लोग हटा भी लिए हैं और जिनके पास अनुमति है वो लोग दिन में 55 डेसिबल का जो मानक है उसका पालन करेंगे। उनके तरफ से भी कुछ बातें आई सामने सर? नहीं, किसी के द्वारा कोई विशेष आपत्ति नहीं की गई है। एक दो जगह साफ सफाई की बात की गई है तो दिशा निर्देश कर दिया जाएगा, साफ सफाई समय से हो जाएगी। आपके तरफ से विशेष निर्देश क्या दिया गया सर? वर्तमान में जो माहौल चल रहा है उसके दृष्टिगत बताया गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और ये भी बताया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं होगी। जो उसका परिसर है मस्जिद का या ईदगाह का वहाँ पर करेंगे और लाउडस्पीकर का जो वॉल्यूम है उसका भी विशेष ख्याल रखेंगे। रोड पर नमाज न पढ़ने की हाँ बताया गया है, रोड पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होनी है। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।